डाइमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी। अब आरसी इसके करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो रेजिस्टेंस का निकाल के आओ और दूसरा कैपेसिटर का निकाल के लेके आओ और ये मल्टीप्लाई करो, फिर आरसी आ जाएगा। और सबसे आसान तरीका है, मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालो, कैपेसिटर निकालो, फिर ये निकालो। ट्वेल्थ में पढ़ते हैं इसको, इलेवंथ वाले घबराना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या नहीं तो आपको पता है कि अगर कोई कैपेसिटर होता है तो उस कैपेसिटर पर किसी इंस्टेंट जो चार्ज होता है क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का इक्वल होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ लिख दूँ एक बार, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो टी टाइम बाद उसके ऊपर कितना चार्ज होगा उसका एक्सप्रेशन होता है, यही आरसी आता है। अब आरसी का डाइमेंशनल फार्मूला वही होगा क्योंकि ई की पावर कुछ भी हो डाइमेंशनल लेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की पावर आरसी डाइमेंशनल लेस है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट है, उसको वन के बराबर कर देता हूँ। तो आरसी का डाइमेंशनल फार्मूला टाइम के इक्वल हो गया। वैसे भी यार जब ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ लोगे तो आरसी, ठीक है, ये आरसी ये यहाँ पे ये फार्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम के इक्वल है। नहीं तो अब दूसरा तरीका ये है कि रेजिस्टेंस का निकालो, कैपेसिटर का निकालो और मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो।